ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ 520 ਸਾਡੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं फाइंडिंग नसरीन रहीम परदेसी। तो रहीम परदेसी को कौन नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि इनको अपने इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा इनकी जो वीडियोज है वो सब जगह फेमस है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई यंग एज में हो, या कोई 50 साल के कोई बूढ़े अंकल आंटी हो, सबको, मतलब कोई भी एज हो, सबको इनकी वीडियोस पसंद आती है। और इतनी बाकमाल फनी वीडियोस होती हैं इनकी, मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ वाला जो एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाते हैं ना, हमें तो सच में बहुत पसंद थी इनकी सारी वीडियोस। बहुत टाइम बाद एक नई वीडियो आई है इनकी, देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए, क्योंकि पर्सनली जो है नसरीन हमारी फेवरेट है और हम बहुत सालों से नसरीन को फॉलो करते आ रहे हैं। और मैं रहीम परदेसी जी की बहुत सारी वीडियोस जो थी, आई थिंक ये हमारा डेली का काम होता था कि इनकी वीडियोस जो है पुरानी ढूंढ ढूंढ के हम देखते थे। उस टाइम पर आई थिंक यूट्यूब में और कोई बाकी इतने कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो कमाल वीडियोस बना के लोगों को एंटरटेन किया है, यानी आप आज से लगा लीजिए 7-8 साल पहले की वीडियोस को अगर आप उठा के देखें, तो इतना फनी और फ्रेश कंटेंट बनाते थे कि हर बार इनकी वीडियो में ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो हमारी घर की स्टोरी है, कि इतना मजेदार कहानी होती थी हस्बैंड वाइफ की, जो नोकझोंक ये दिखाते थे ना, वाकई में मजा आ जाता था। और नसरीन की जो अदाएं हैं, उसकी जो नटखट काम थे जो वो हमेशा रहीम के साथ करती थी, वो मेरी बहुत ज्यादा पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में नसरीन हमें कहां से मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। परदेसी भाई किथे रह गए हो? टाइम परदेसी कहां गए हो? सच में बहुत सारे लोगों ने इन्हें मैसेज किया होगा, इतने साल तक कहां थे आप? हमें नसरीन चाहिए, नसरीन देखनी है, नसरीन आ रही यार। नसरीन को वापस लेकर आई। तो फाइनली फाइंडिंग नसरीन। ओहो, धूल जम गई फोटो पे। धूल जम गई है नसरीन की फोटो पर। नसरीन तो कहाँ चले गई है, अब कैसे ढूंढूं तुम्हें? छोड़ा क्यों था नसरीन को? इतनी तो प्यारी थी ये। वाकई में एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर में जान डालना कोई रहीम से सीखे, रहीम ने वाकई में उस कैरेक्टर में जान डाल दी थी। आप सच्ची इमेजिन नहीं कर सकते थे कि दाढ़ी मूंछों वाली एक औरत भी आपको इतनी पसंद आ सकती है। तो वाकई में बाकमाल थी एक्टिंग, तो बाकमाल थी। अभी उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे। फोटो देख कर ही घबरा गए वो। ओहो बदो बदी। आवे भाई की गुआचा तेरा, किन लाभना है? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਓ ਯਾ,
वाओ, थ्री व्हीलर का कलर कितना वागिंग, बड़ा यूनिक सा कलर है। डोंट टेल मी ये फ्रिज के अंदर नसरीन को ढूंढ रहा है। ओ क्या कर रहा है? मैं नसरीन को ढूंढ रहा हूँ। तो नसरीन तुम्हें मेरे पिछवाड़े में मिलेगा है? सही बात है। पागल मार कान वाले कम। नसरीन के साथ रहते रहते ना इन पे भी असर हो ही गया उसका, हो गया थोड़ा सा। क्योंकि ये सारे तो कारनामे और जो हरकतें ये कर रहे हैं ये नसरीन की ड्यूटी है। चौथे थप्पड़ की तैयारी है। मौलवी साहब इनका कपड़ा उठा के देख सकता हूँ जरा? तू कुछ देने कहानी पड़ी गया थप्पड़। हाय, दलन तो लिया था मैं सही ना? आप इसे जानते हो? जी मैं इनके ड्रामे बहुत देखता हूँ। ड्रामे? हाँ बेटा, इसके ड्रामे बड़े मशहूर हैं लेकिन मिल नहीं रही। मुझे पता कहाँ रहती है। तुम्हें पता है ये कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पहले ओए ओए पहले पैसे। बच्चे कितने स्मार्ट आजकल सच में। पर चलो फाइनली अगर ये एड्रेस बता दे नसरीन कहाँ रहती है तो हमारे तो मजे है। ओहो फाइनली नसरीन की एंट्री। क्या अदाएं हैं। आई थिंक बालों को झटकना ना इज एपिक। ये स्टार्टिंग से नसरीन की जो है प्लस पॉइंट रहा है। आई थिंक आज ये बॉल रहीम ही कैच करने वाला है। आज फाइनली नसरीन आउट होने वाली है। नो वे। सो फाइनली ये तो पता चल गया है कि नसरीन बिल्कुल वैसी है। इन 5-6 सालों में नसरीन बिल्कुल नहीं बदली। वो वैसी नटखट चुलबुली सी है। Thank you.
फाइनली ओके चौधरी साहब जरा दस मैं छोला मुंडे आप कर देसी तू मुदा तेरी बीवी ने पिंड वालों नु इना के दम कर छड़या ते शीशे कदे पांदे जाए कदे खिड़कियां पांदे जाए कदे क्रिकेट खेडी तेरी बीवी ऐसा जलील किया है तंग किया है इधर मेरी गल सुन ये पिंड वाले कहते नहीं है जिम्मे तेरी बीवी से तुसी कर रहे जे सारा पिंड का मुआशरा खराब कर रहे जे मेरे ढिड फटते फटते बचे है ये फराक कौन भरेगा ये नुकसान कौन भरेगा अगर तुसी बाद ना आए तो तुहानू पिंड विच ऐसा दलील का कढ़ांगे तुसी याद रखोगे ये साडा पिंड वालों का मुश्तरका फैसला है परदेसी यार ले जा नसरीन बिस्ती करवा के रख दी मेरी पूरे पिंड च नच दम किया इन्हें आन तो दे तेनू नसरीन तेन मैं दसदा ना पुछी मैं पिंड आया सुख का साह लैन ते तेरिया पसूड़ियां नहीं हट दियां ओ लिया के ते ओ दुद्ध चो यार मैं बंदा पुछे ए उम्र है कोई क्रिकेट खेडने वाली है मैं तो कहना वा भज जाने असी इतनी सुख तो मिलूगा तू बहुत लकी है तेरी बुढ़ी नहीं ना है तू बहुत लकी है लकी है अच्छा दोनों ने ट्राउजर सेम ही पहना हुआ है एडिटिंग वाकई में उस टाइम भी बाक कमाल होती थी कि आप गेस नहीं कर सकते कि दोनों सेम पर्सन है जो एक्टिंग कर रहे हैं सही बात है आ गई हां चन चाड़ के हुन मैं की कीता वा कीता वा बंदा पूछ तू की नहीं कीता कदी किसी दे शीशे भन दनी है कदी किसी दा सर पाड़ दनी है ते आज एदी तुन्नी च बॉल मार के आई है तुन्नी तुन्नी विच बॉल मार के हुन मैं की करा जे दिन ब दिन मेरी बैटिंग चंगी हुंदी जा रही है ओए होए होए एड्डी तू क्रिस गेल तेरे काम करन वाले है ने भला क्रिस गेल नहीं हैगी मैं अफरीदी हां मैं अफरीदी सच नाले वैसे भी पिंड च केड़ा जिम हैगा वा मैं भी तो वर्जिश करनी हुंदी आ ओए हरकता ता तेरी उसी बल्ले तो कुट खाण वालियां ने जिम जाना तू पट्ठे पा जाके ला भी लगदा नवा लामा आ गया आप ही वेख जाके हुण मैं देखदी आ आए नसरीन राहिन तू इत्थे किस तरह लभ्या मैनू नसरीन क्या बताऊं क्या बताऊं कितनी चपेड़े खाई हैं यहां पहुंचने तक चंडा खैर पहले अंदर तो बुला लो आजा आजा अंदर आजा हो गई स्मार्ट बॉय सब खैरियत है ना क्या बात है भाई थ्री इन वन हो चुका तो थ्री हां तीन रोल कर रहे हैं नसरीन को बहुत लोग याद कर रहे हैं मिन्नू सच्ची मैं तुम दोनों को लेने आया हूं सानू लेना है लेकिन मैं तो बड़ी मुश्किल ना सेलिब्रिटी लाइफ छड़ के आई हूं ओए होए ग्लैमरस लाइफ भूल के आई हूं लेकिन नसरीन लोग अभी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं पागल है तुम्हारे लिए सच में लेकिन मैं तो पुरानी हो गई हूं और वैसे भी आजकल नए यूट्यूबर आ गए ने नई जनरेशन आ गई असि तो हम पुराने हो गए हैं यार ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਭੀ ਤੋ ਨਸਰੀਨ ਕਾ ਅਰੂਜ ਆਨਾ ਹੈ ਅਭੀ ਤੋ ਉਸਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਟਰੂ ਹੈ ਨਏ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਭਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਬਟ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸੋਚ ਲੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਚਲਤਾ
नसरीन तेनू की होया? कुछ नहीं, मैं थोड़े लिए चाह बनावा। एक मिनट एक मिनट, तेरी दिल दिया गल्ला जानना मैं। ओए होए, नसरीन चल चलिए। हाँ जी, एक बारी हो जाए फिर। यूट्यूब पाड़ के रख दी। सीरियसली? फाइनली वाकई में इनकी एंट्री जो है वो इतनी धमाकेदार हुई है, आने वाली वीडियोस बहुत बाकमाल होने वाली है। बिल्कुल सुपर बड़ी। ओ आहिस्ता चलाना। अच्छा, इतने सालों बाद भी बिल्कुल जरा सा भी चार्म चेंज नहीं हुआ। नसरीन, रहीम, परदेसी, सारे कैरेक्टर वैसे की वैसे ही लग रहे हैं, जैसे मानो अभी फ्लैशबैक में हम 6 साल पीछे की वीडियोस देख रहे हैं। मानना पड़ेगा रहीम ने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आ गई हूं मैं। वेलकम है जी। है यार, क्या बोले इस वीडियो के बारे में। मतलब पूरी, जैसे कहते हैं, 15 मिनट के अंदर एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही फनी वीडियो उन्होंने हमें दिखा दी। मजा आ गया आज की वीडियो देख के, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जल्दी जल्दी नसरीन के और पार्ट्स आए और हम लोग उसको देखें। क्योंकि सीरियसली जब पहले वीडियोस आती थी तो हम लोग इतने खुशी से और इतने उससे इसको एंजॉय करते थे। इतने टाइम बाद दोबारा से नसरीन को देखा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसा वो पहले रोल करती थी। मुझे लगा था शायद अब कुछ चेंज आ गया होगा उसमें, क्योंकि जैसे इतने टाइम बाद दिखा रहे हैं, दोबारा उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शायद कुछ और चेंज होगा, पर कुछ नहीं, शी इज द सेम। तो मुझे बहुत वेट है और नई वीडियोस आए इसकी, और हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। और आज की वीडियो तो बात कमाल थी, वाकई में दिन बन गया आज का, क्योंकि इतने सालों से जिसे हम देखते आ रहे थे। आई थिंक मेरी YouTube में कंटेंट की, जो आप कह लीजिए, जो मुझे कंटेंट देखने की आदत हुई ना, वो आई थिंक रहीम परदेसी की वीडियोस से ही पड़ी, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस इतनी इंजॉय करती थी। मीन्स हमारे घर में ना सब लोग रहीम परदेसी की वीडियोस देख देख के, और हम सब में ना कहीं नसरीन वाली वो अदा आ गई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी बात करती थी तो मैं हमेशा जो है, जैसे नसरीन अपने हस्बैंड से हर थोड़ी देर बाद पूछे मैं कितना लग रही माँ, तो मैं भी कितनी बार उसी तरीके से बात करने की कोशिश करती थी। और मेरे हस्बैंड इस चीज को इतना ज्यादा फनी वे में लेते थे कि तुम्हारे ऊपर तो पूरा जादू हुआ हुआ है नसरीन का। और वाकई में जो डायलॉग्स थे या जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी नसरीन करती थी, वाकई में मतलब मजा आ जाती थी देखे। उस टाइम के लिए हमारे टाइम का जो था ये परफेक्ट टाइम पास था। तो जैसे ही पता लगा 2024 पे रहीम परदेसी ने नई वीडियो डाली है तो हमसे रहा नहीं गया। तो हमारे लिए तो वाकई में बहुत नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हमें बहुत मजा आएगी इनकी वीडियोस पर रिएक्शन देने में। और आई एम श्योर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।